हुआ दीदी, सब ठीक तो है? क्या बताऊं, मैं कल खाना बना रही थी तभी मेरा पति आ गया और पता नहीं किस बात पर मारने लगा। मेरा पति तो बहुत अच्छा है दीदी, मुझे समझकर अपनी माँ को मारा। दीदी अपना दर्द कब खत्म होगा? मेरा पति तो गैस खरीदने से भी मना करता है। दीदी चले क्या? सबका वही हाल है, क्या करें? हाँ दीदी, आज रात को पता नहीं मेरा पति पीकर क्या करने वाला है। कब अकल आएगी बेउड़ा कहीं का, रात भर सोने नहीं देता है। हाँ? ऐसा लग रहा था कोई है हमारे पीछे। हाँ दीदी। नमस्ते मुखिया जी। हाँ नमस्ते। 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 नमस्ते मुखिया जी। नमस्ते। नमस्ते मुखिया जी। नमस्ते। नमस्ते मुखिया जी। सब ठीक है ना? बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए। क्या राम आया, सब कैसा है? सब बढ़िया है। अरे टिप्पणू, गांव के सीआई को खबर किया क्या? हाँ साहब किया है, बस आते ही होंगे वो। हाँ ठीक है। पुजारी जी क्या बात है? आपने जो बोला वो सही है। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं भूपति जी? मैं बहुत अच्छा हूँ, और आप? मुखिया जी हाँ? मुझे थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। आपने मुझे याद किया, कोई खास काम? हमारे गांव की लड़कियां गायब हुई हैं सीआई साहब, जंगल में गई थी लेकिन अभी तक वापस नहीं आई, उन्हीं की जांच पड़ताल करने के लिए आपको बुलाया है। आप परेशान मत होइए, आर्थर राजू नाम है मेरा, लड़कियां ही हैं ना, मैं देख लूंगा, चलता हूँ मैं। हाँ वो देख लेंगे। अरे टिप्पणू जी, वो भगवान के मेले के बारे में बात करनी है तो पुजारी को जरा बुला लो यहाँ पर। अभी बुलाता हूँ। पुजारी से ही बात करना सही रहेगा। पुजारी जी, ओ पुजारी जी। ओम भूर्भुवत् स्वाहा। पुजारी जी। तुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। क्या बात है टिप्पणू, इधर कैसे आना हुआ? वो मुखिया जी आपको बुला रहे हैं। रुक जाओ, टिकट टिप्पणू तुम चलो, मैं आता हूँ। ठीक है। क्या बात है बताओ। पुजारी जी आपके खेत में कुछ तांबे का मिला है। तांबे का? इस पे नाग देवता का बंधन है कुछ अजीब सा, यह आखिर क्या हो सकता है? नाग बंधन जैसा है मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, मुझे कुछ शक हो रहा है। अपने ग्रंथालय में जो उपाध्याय जी है उनके पास चलते हैं। चलो ठीक है पुजारी जी। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मैडम आज मुझे थोड़ा काम है, मैं जा सकती हूँ? ठीक है जाओ। क्या बात है, आप यहाँ कैसे? टीचर जी ये चीज रंगाना को मिली है, देखो तो। ये क्या है, दिखाना जरा। ये तो बहुत पुराने जमाने का लगता है, कुछ अजीब सा आपको है। इसके तो बारे में कुछ पता है क्या? नहीं मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं बाद में बताती हूँ। ठीक है जो भी होगा बताइए, मैं जब आपको बोलूँ तब आ जाना। ठीक है मैडम। ठीक है मैडम चलते हैं।
जंगल का कोना कोना छानो, लाश यहीं कहीं होगी। हाँ साहब। लाश का मिलना बहुत जरूरी है। साहब वहाँ ढूंढते हैं। चलो देखते हैं। साहब जंगल है, ध्यान से। ये नक्सलाइट एरिया है, जरा संभल के शिवा। जी साहब। शिवा जरा यहाँ देखो, हमें खून दिख रहा है लेकिन लाश का कुछ पता नहीं। मुझे भी वही शक हो रहा है। शिवा वहाँ देखे क्या? चलो सर। ये लो सर। ए श्रीनु, यहाँ जो भी हो रहा है उसका कारण तू है, ये मैं जानता हूँ। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अगर मिल गया तो तेरा एनकाउंटर कर दूंगा। सीनु परेशान ना हो, बैठ जाओ, सोच समझ के वार करेंगे। ठीक है भाई। हीरो हूँ मैं, हीरो हूँ मैं, हीरो हूँ मैं, हीरो लललला, हीरो हीरो हीरो। ये क्या, अकेले बैठी है क्या? हाँ कितने दिन अकेली रहेगी? देख वो श्रेणु तो आने वाला है नहीं, मैं बिल्कुल खाली हूँ, मेरे साथ आ जाना, क्या बोलती है? सही है ना? हाँ ए चुप कर, सीनू के बारे में बात करने की औकात नहीं है तेरी। वो मेरा पति है, मुझे विश्वास है कि वो वापस जरूर आएगा। चल अब तू निकल यहाँ से। तू है ना कभी नहीं बदलेगी। छी क्या हो गया? बिल्कुल, कितना अच्छा आदमी था। ये बात तो सही है। साइड हटो। तुम्हें कुछ पता है? नहीं सर। तुम्हें कुछ पता है? तुम्हें पता है? नहीं पता सर। तुम लोग जानते हो क्या? नहीं पता सर। नहीं जानते? नहीं पता सर। नहीं सर। कांस्टेबल यहाँ एक लाश है, इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके। क्या बात है तिपड़ू, यहाँ क्यों घूम रहे हो? बस ऐसे ही घूम रहा था। अच्छा ठीक है, मुझे बहुत काम है, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, तुम घूमते रहो। रतालू मेरे कपड़े कब धोओगी? हाँ मैडम, 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 माँ जी इसको देखा है क्या? मुझे नहीं पता है। नहीं पता? मुझे लगता है इस गांव को किसी की नजर लग गई है, एक के बाद एक हादसा हो रहा है। क्या पता दीदी? क्या मालूम कैसे हुआ?
अरे रे कैसे हो गया? ये सब क्या हो गया? ये सब कैसे हुआ? ये सब कुछ पता है तुम्हें? हो गया? नहीं सर, मुझे नहीं सर, क्यों चली गए? अरे ये सब कुछ कैसे हुआ, इसके बारे में कुछ नहीं, पता है? नहीं सर। जी नहीं सर। अम्मा तुम्हें पता है? हम नहीं जानते। मेरा क्या होगा? सुबह आओ कॉन्स्टेबल्स को यहाँ भेजो। जी साहब। हाँ जल्दी करो। भूपति जी, आपको एक महत्वपूर्ण बात बतानी है। बोलिए पुजारी जी। मुझे ऐसा लगता है अपने गांव को किसी की नजर लगी है। देखिए ना आप, कल टीचर जी, आज रेवती, तो फिर कल कौन? ये रोज रोज मौत क्यों हो रही है? मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा है। इस विषय पर मैं आपसे बात करने ही वाला था। मेरे पास इसका एक छोटा सा उपचार है, बताओ आपको। क्या सच में? अगर गाँव की भलाई के लिए है तो जरूर बताइए। मेरे जान पहचान के एक स्वामी जी है, बगल के गांव में किसी पूजा के लिए आने वाले हैं। उनसे एक बार मिलके देखते हैं। अरे मिलना नहीं पुजारी जी, उनको एक बार गांव में ही बुला लीजिए। उसके लिए एक मुहूर्त देखता हूँ, रुको जरा। हाँ देखो, अच्छा वाला मुहूर्त। रुकिए देखता हूँ, रुकिए। अरे टिप्पणू जी, बोलिए। मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, तुम घर जा करके बता देना। ठीक है पुजारी जी। चलो बच गया। कुछ मिला? देखो कुछ भी करके एक अच्छा सा मुहूर्त निकालो, समझ गए ना? एक सबसे अच्छा मुहूर्त है तब उनको बुलाते हैं।